तो मैं पहुंच गई थी सूरत का ये स्पेशल फूड फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए, जो साल में सिर्फ एक बार लगता है। और भाई ये बहुत ही बढ़िया होता है। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या खाने को मिल जाएगा और क्या क्या एंजॉय करने को मिल जाएगा। इसका एग्जैक्ट लोकेशन, इसका एग्जैक्ट टाइम और कितने दिन रहता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यहाँ पे ऐसे कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, पर लोगों को ये प्रोग्राम देखने से ज़्यादा खाने में इंटरेस्ट होता है। तो चलिए हम एक एक करके सारे स्टॉल की विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलता है। तो ये सबसे पहले है सूरती पात्रा। तो ये एक प्लेट आपको यहाँ पे 50 रुपये की मिल जाएगी। तो ये गर्मा गर्म पात्रा आ गया है और इसके ऊपर छिड़का जाएगा ढेर सारा ऑयल और ये नींबू और मसाले के साथ भाई सब होता है। और इसके साथ खाई जाती है सूरती पूरन पोली। तो आप देख लो भाई दिखने में कितनी बढ़िया लग रही है। और इसके एग्जिट बाजू में ही है अन्ना का स्टॉल, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ में चीज़ वाला डोसा मिलने वाला है। ये भी बहुत ही बढ़िया था। और अब इसके बाद हम ट्राई करने वाले थे ये मिसल पाव। यहाँ पे आपको ये प्लेट मिल जाती है रेडी, बहुत ही अच्छी थी। साथ ही साथ सूरती कोको और ये सूरती वेस्ट तपेलू। तो आपको डेफिनेटली ट्राई करने वाली चीज़ है भाई, बहुत ही यूनिक इसका टेस्ट था, मुझे बड़ा ही पसंद आया। यहाँ पे आपको रागी डोसा भी मिल जाएगा भाई। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे बहुत सारी हेल्दी चीज़ें खाने को मिलेगी, जैसे कि रागी वाला मसाला खिच्चा पापड़, सिंपल वाला पापड़ और भाई मैंने ट्राई की थी मिलेट्स वाली चाट। तो भाई मैंने तो मेरे लिए बनवा ली थी। ये यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ की मिलने वाली है। ज़बरदस्त टेस्ट था, मैंने इसे ट्राई की, आप भी डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे चॉकलेट फाउंटेन भी मिल जाएगा और यहाँ पे ये मटके वाला सेटअप तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, तो मैंने आपके लिए ये कवर कर लिया। पर यहाँ पे मैंने ट्राई किया था उनका स्पेशल ये दादी माँ का किच्चू। अब हम पहुँचने वाले थे ये फूड फेस्टिवल के मोस्ट क्राउडेड स्टॉल पर, जहाँ पे भैया बनाते थे खिच्चा पापड़। यहाँ पे आपको खिच्चा पापड़ के 150 स्टॉल मिल जाएंगे, लेकिन इनका बनाने का और टेस्ट दोनों का तरीका बहुत ही अलग था। तो ये मेरे लिए रेडी होकर आ चुका है भाई। फूड फेस्टिवल में आए हैं तो यहाँ की जलेबी है तो ट्राई करना बनता ही बनता है। यहाँ पे आपको लाइव धीमी आंच पर मिट्टी के बर्तन में पकी हुई ये गर्मा गर्म दाल बाटी भी मिल जाएगी। तो आप देख लो दाल कितनी बढ़िया लग रही है। यहाँ पे आपको लाइव पनीर टिक्का भी मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ नई चीज़ थी कोरियन चीज़ स्टिक, वो भी मैंने ट्राई की थी पर मेरी ऐसी चीज़ पोल नहीं हुई थी, मेरा पोपट हो चुका था, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पे आपको ऐसे ओपन टोस्ट सैंडविच भी मिल जाएगी, जिसका टेस्ट और लुक दोनों ही यूनिक था। इसके बाद हमने डेजर्ट में ट्राई की थी बहुत ही बढ़िया रासबेरी की ये कुल्फी। भाई दिखने में जितनी बढ़िया थी उतनी ही भाई मुझसे तो और रहा नहीं गया, इसलिए मैंने दूसरी मेरे लिए ऑर्डर की उनकी स्पेशल मावा मलाई कुल्फी। और आपको बचपन की याद दिला दे ऐसी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की पॉपकॉर्न और कॉटन कैंडी भी मिल जाएगी। तो भाई इतने सारे स्टॉल थे कि भाई सब कवर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, पर आप यहाँ पे आके विजिट कीजिएगा और खाना खा के यहाँ पे आप फ्री में गरबा भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली विजिट जरूर कीजिएगा।